वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरी तरफ से सबको जमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का जो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अपना हाथ नीचे करके कर रही हूँ। आपको बहुत मसला होता है कि अपने हाथ बहुत हिलाते हो, तो यार बस एक आदत पड़ी होती है ना इंसान को, तो इस तरह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस मैं फ्रेश वगैरह हुई हूँ और नमाज पढ़ी है, और बाकी मैं जा रही हूँ नीचे कुछ खाती हूँ, क्योंकि आज मैं उठी लेट और फिर जल्दी जल्दी वैसे उठती तो मैं हमेशा ही लेट हूँ। खैर आज लेट से कोई उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो बस अभी सारे कामों से फ्री होकर मैं नीचे जाती हूँ, कुछ खाती हूँ, और आज बहुत सारे काम है। बहुत सारे काम कौन से, अगर मैंने अभी बता दिया तो आप लोग भाग के उधर चले जाएंगे, वीडियो आगे कर देंगे। तो वीडियो को देखते रहें आगे, फिर जो भी चीज़ें आज व्लॉग में, जो भी जैसा भी व्लॉग बनेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के नीचे चलते हैं, और मैंने अपने नेल्स भी कट कर दिए हैं, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। जो भी चीज़ें आज व्लॉग में, जो भी जैसा भी व्लॉग बनेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के नीचे चलते हैं, और मैंने अपने नेल्स भी कट कर दिए हैं, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। नहीं आ रही के पीछे धुआं जो है वो अजीब सा धुआं किस चीज़ का हो रहा है, लाइक मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने अभी वीडियो को देखा तो मुझे लगा, मैंने नेल्स अपने कट कर दिए, बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए। मैंने सोचा था शादी पे बड़े रखूंगी, लेकिन ना वो एक नेल टूटता है फिर मैं सारे कट कर देती हूँ, तो छोटे ही सही हैं। शादी पे मैं ना मैं नेल एक्रेलिक नेल्स जो होते हैं ना वो करवा लूँगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब होंगे ठीक ठाक। और मैं एक पाकिस्तानी हूँ जो कि यूएई में रह के व्लॉग्स बनाती हूँ, और मेरे चैनल का नाम है फेरी व्लॉग्स इन दुबई, जो कि आपको हर तरह की वीडियोस मिलेंगी मेरे चैनल पे। आउटिंग की मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको घर बैठे देखना है यूएई और घूमना है पूरा दुबई शारजा, और आप जो है वो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लिंक मिलेगा मेरे चैनल का लाइफ विद कायनात के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेक श्योर कि मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस आउटिंग की, कुकिंग की, हर तरह की वीडियोस जो है वो मिलने वाली है मेरे चैनल पे। और उम्मीद है कि आप सब जो है वो मेरे चैनल पे जाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे। बाय बाय। अच्छा जी, तो ये रहा इनका चैनल का नाम, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो भी आपको सर्च बार में मिल जाएगा। बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं, तो डू सब्सक्राइब हर चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। वीडियोज़ बहुत ही मज़ेदार होती है, कॉन्टेंट काफ़ी अच्छा क्रिएट करिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। ओके गाइज, आज सारा हील्स वाला काम था जो कर लिया है, कुछ मैंने अपने इन लॉज की तरफ भिजवा दिए हैं कि जितना जल्दी काम हो जाए। कुछ यहाँ पड़ी है तो वो दूसरे चक्कर लगाएंगे, तो वो ये भी ले जाएंगे। बाकी दो तीन दो चक्कर में भिजवा दिए वो कुछ पुराने, और ये सारे न्यू जूते हैं जो मैंने लिए हैं। मैं आप लोगों को वन बाय वन दिखाती हूँ। मैंने इतनी ज़्यादा हील्स नहीं ली, इतनी ज़्यादा मैंने ली भी नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें ली हैं। जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने सोचा पैसे ज़ाया करने से अच्छा है कि मैं वो चीज़ नहीं लूँ, उससे उसके अलावा जो मेरे पास नहीं है मैं वो ले लूँ। तो ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई, एक तो मैंने ये ब्लू वाला लिया था, ठीक है ना, इस तरीके से, और ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया हुआ। जो चीज़ मैंने नहीं दिखाई आप लोगों को वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा देती हूँ, इससे आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा। एक मैंने ये लिए थे, ये भी मैं जिस दिन लेके आई थी उस दिन आप लोगों को दिखाए थे, इस तरीके से हैं ये, ठीक हो गया ना। ये सारी चीज़ें अभी भी आपको वेबसाइट्स पर ईजीली मिल जाएंगी, कोई स्टाइलों से है। और ये वाले मेरे ढोलकी के लिए हैं, ये मैंने SNF से बनवाए थे, ईद पे बनवाए थे लेकिन कभी पहने ही नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ये मेरे काम आ जाएंगे, SNF से लिए थे मैंने, तो ये अच्छे भी लगे थे, तो मैंने ये अपने ढोलकी के रख लिए। ये मुझे एक PR आया था मायूं के लिए, मुझे नहीं लेने पड़े, तो फिर मैंने यही अपने मायूं के लिए रख लिए कि चलो ये वाले जूते भी जो है ना वो काम आ जाएंगे। इधर आओ कमरी, इनको सेटिंग करके रखो। तो मैंने आपको दिखा दिया है, ये इनको साइड पे उठाओ जो मैं दिखाती जा रही हूँ ना। और ये मैंने लिए थे इंस्पायर्ड शूज से, ये तारिक रोड पे इनका आउटलेट है। ये जब मैं फर्स्ट टाइम कराची गई थी ना, जब मैं लेके आई थी, निकालो ये मैं दिखाऊं, तो वो ये वाला पेयर था जो मैं लेके आई थी इंस्पायर्ड शूज का, इंस्पायर्ड शूज की तरफ से है ये। और ये था, मैंने कहा कि चलो ब्राइडल भी चल जाएगा, मुझे अपने ब्राइडल कुछ मिल नहीं रहा था। ये पीछे करना, मैं थोड़ा दिखाऊंगी सही से प्रॉपर। तो ये वाला पेयर मैं लेके आई थी इंस्पायर्ड से, और यहाँ पे इस तरह से ये फैंसी सा है, तो ये मैंने इंस्पायर्ड शूज से लिया था। प्राइस वगैरह मुझे इसकी याद नहीं है, यहाँ शायद लिखी हो। ये देख, ये सारे जो भी मैंने लिए हैं ये मैंने सेल में नहीं लिए थे, ये देख लें, ये है 349 का, एडल शूज से ये लिया है और इंस्पायर्ड की तरफ से है, पता नहीं क्या ब्रांड है। मैंने खुद फर्स्ट टाइम लिया था, मुझे अच्छा लग गया था तो मैंने ले लिया, शायद उनके पास अभी भी अवेलेबल हो।
उसके अलावा ये भी दिखाऊं, रुको इनमें इसमें क्या है, इसमें वही है जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया हुआ, एक स्लिपर है इसमें और एक इसमें था ये ब्लैक वाला कट शूज, मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है। तो ये भी उठाओ कमरी, पीछे करके रखो, फिर इनको सेट करते हैं। और ये मैंने लिया था सलाफा से, बोर्जन वाले भी थे ना वो नीचे रख दिए तुमने, वो दिखाओ वो भी। और वहाँ से मैंने लिए थे एक ये सैंडल्स, ये काफ़ी सूटों के साथ चल जाते हैं और अच्छे भी लग रहे थे, सलाफा से लिए थे, अभी उनकी वेबसाइट पे होंगे, इसे डालो शॉपर में। ये बहुत ही प्यारा सा इसका डिटेल है, इसके ऊपर बहुत अच्छा मुझे ये लगा था। और प्राइस इसकी मैं आपको बता देती हूँ, ये मिले थे 4000 रुपीज़ के, ये अभी भी सलाफा की वेबसाइट पे होंगे या उनके आउटलेट पे आपको मिले जाएंगे। सलाफा के शूज़ जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरा जो मैंने अपनी हील ली है, ये मैंने लिया था अपनी बारात वाले दिन के लिए, और जो पहले हील दिखाई है वो मैंने सोचा था मैं पहन लूँगी मेहंदी वाले दिन, तो मैंने बहुत सिंपल सा लिया ताकि मेरे बाद में भी काम आ जाए, और बहुत डिसेंट सा हील भी, इतनी बड़ी नहीं ली, तो जो मुझे फिर सही लगेगा वो वाला बारात पे पहन लूँगी या ये वाला पहन लूँगी, मैंने सलाफा से लिया था। ठीक हो गया जी, इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 5259, और ये बहुत ही प्यारी ये है, ये आप देख लें ठीक है, और बहुत सिंपल डिसेंट सा इंसान बाद में भी यूज़ कर सकता है। और बाकी ये बोर्जान वाले हैं, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि कौन सा था, ये जब मैंने लिया था पिछली दफ़ा, पीछे हो जाओ थोड़ी कमरी आराम से, ये वाला पेयर लिया था, ये भी एक के मेरे काफ़ी ज़्यादा सूटों के साथ चल जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया था। ये मुझे मिला था मेरे ख्याल में, ये मिला था 4000 का, और ये सेल पे नहीं था, कोई भी जूता मैंने सेल में से नहीं लिया, सारे न्यू अराइवल में से लिए, क्योंकि ब्राइडल कलेक्शन पे वैसे भी सेल नहीं होती। दूसरे वाला जो वलीमे की मैक्सी का लिया है मैंने हीर, वो भी मैंने बोर्डजान से लिया है, और ये है इस तरीके से जो मैंने वलीमे में पहनना है। ठीक हो गया, ये मुझे मिला था 3000 का, गाइस ये मिला था 4000 का। ठीक हो गया जी, तो ये सारी हील्स थी जो मैंने लिए हैं, टोटल कितनी हो गई हमारी गाइस, ओवरऑल टोटल जो मैंने जूते लिए हैं वो लिए हैं मैंने 10, उसमें से एक येलो वाला मुझे पीआर आया था, और ये पिंक वाला मैंने बहुत पहले लिया था ईद पे, लेकिन इनको मिला के टोटल मैंने जो लिए हैं वो 10 ही, अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो टोटल मैंने 8 लिए हैं जो मैंने आप लोगों को सब दिखा दिए, बाकी ऑलरेडी मेरे पास बहुत हील्स थी, तो अब मैं इनको भी अपने लॉस की तरफ भिजवा देती हूँ, और जो मुझे घर में चाहिए वो मैं कुछ रख लेती हूँ। अच्छा गाइस, तो ये ओवरऑल जूते हैं वो है मायू का, ढोलकी का, ये ऐसे रैंडमली लिए थे, ये भी रैंडमली कहीं आना जाना पहने, वो सैंडल हैं वो बारात के हैं, ये स्लीपर्स लिए थे ये वलीमे के हैं, और उसके साथ मेहंदी के पड़े हुए, ये ओवरऑल जूते हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं, इसके अलावा कोई मैंने परचेज़ नहीं किए। ये जो दो आप देख रहे हैं ये दो, एक मैंने खुद बनवाया था ईद पे, मैंने अभी तक नहीं पहना, तो ढोलकी के लिए रख लिया, वो मुझे पी आ रहा था। तो ये ओवरऑल मेरी हील्स की शॉपिंग है जो मैंने की है, मैंने सोचा व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूं, बाकी जो मैंने क्लचेस और बैग्स वगैरह लिए वो भी इंशाल्लाह ताला एक दिन मैं आपको व्लॉग में कवर करके दिखा दूंगी। हर तरफ जूते ही जूते हैं, और ये हालात चल रहे हैं अभी, तो बस आजा कमरी, अब उठाएँ ये चीज़ें, डब्बे बंद करें और भिजवाते हैं। अच्छा जी गाइस, तो एक और चक्कर लग गया जूतों का, भी लगता ही रहेगा, और ये मुर्गा लगता है मेरे साथ, निकाह के जाऊँगी ना, मुर्गा मेरे साथ ही जाएगा। तो मैं बस अभी जा रही हूँ अपने इन लॉज की तरफ, वहाँ पे मेरे कुछ कपड़े आए हुए हैं, पीछे देखे और भी जूते पड़े हुए हैं, तो कितने ज़्यादा मेरे पास ना वो हो गए। भाई चुप कर जा, व्लॉग बनाने दे यार। तो मैं अपने इन लॉज की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ पे ना कुछ पार्टी वेयर बन के आए हुए हैं, और आप यकीन करें कि ये देखेंगे इतने ज़्यादा मुझे कपड़े खुले हो गए, और जो मैंने अपने बनवाए थे वो भी मुझे खुले हो गए थे, वो मैं अल्टरनेशन, भाई अल्टरनेशन के लिए दे के आई हूँ, और मम्मा कह रही हैं कि वो भी जाके ट्राई कर लो, अगर उसमें भी कोई अल्टरनेशन वगैरह करवानी हो तो वो भी फिर साथ के साथ हो जाएगी, बाकी जो मैंने वहाँ बनने दिए थे सारा मुझे लूज हो गए हैं, तो लेट्स गो नाउ। अब मैं जा रही हूँ ना, तो अभी ये मुर्गा भी देखें चुप हो गया, जैसे ही मैं रूम में वापस आऊँगी कुछ बोलूँगी, मुर्गा भी साथ शुरू हो जाएगा, बट प्लीज बाय बाय। ओ गिरा दी ना, देख सारी उठा के रख दे इधर। अच्छा जी गाइस, तो टाइम यहाँ पे हो रहा है 4:15 हो रहे हैं, और हम लोग कब से ये जूतों की सेटिंग में लगे हुए हैं, देखें आधा दिन ऐसे गुजर जाता है। रख दिए कमरी, चलो ठीक है। हाँ भाई, सबकी तस्वीर लेते हैं हम लोग, सही ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, देखते हैं वो आ जा, तू काम कर ले नीचे। गाइस ये देखें, उस दिन हम लोगों ने बर्थडे की थी ना, अभी तक आधे स्टिकर उतारे आधे उतारे नहीं, ऐसे अब वो कह रहे थे अच्छे लग रहे दो, तो मैं ऊपर आई हूँ अभी, तो चले हैं देखते हैं। ये मेरा जो है ना आगे जाके वैनिटी वाला रूम बनेगा, वैनिटी मेरी बनने गई हुई है,
तो आएगी तो मैं आप लोगों का शेयर करूँगी। फिलहाल यहाँ पे मेरा सामान पड़ा हुआ है, हालात बहुत ख़राब है। ये मेरी वैनिटी के लिए कबर्ड बन के आ गया, अभी साथ यहाँ पे वैनिटी बनने गई हुई है, बन के आएगी। फिर इसके कर्टन्स वगैरह भी सब चेंज करने। अभी रूम फ़िलहाल आप ऐसे देखें, मेरा यूट्यूब स्टूडियो वाला रूम होगा, सिर्फ इसका कबर्ड आया है, बाकी वैनिटी भी आएगी। चलो अभी रखो गाइज, ये मेरे कपड़े हैं जो मैं आपको पूरे नहीं दिखा रही, थोड़े बहुत दिखा रही हूँ, बाकी जब शादी में पहनूंगी ना जब देख लेना, वरना सरप्राइज सारा ख़राब हो जाएगा। जी तो घर में आ गई हूँ और मैं सोच रही हूँ अपने दोस्त के घर पे जाने का, क्योंकि बहुत अरसा हो गया हम नहीं मिले, बहुत अरसा हो गया मैं उसके घर नहीं गई। हम मिले थे कुछ दिन पहले, वो लोग आए थे, उसे मैंने व्लॉग नहीं किया था। तो आज मैं सोच रही हूँ अगर भाई आ जाता है तो मैं जाती हूँ उसकी तरफ, मुझे छोड़ आएगा और फिर थोड़ा बहुत फ़न करें। और मतलब काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं गई हूँ, तो आई थॉट कि चलो चलते हैं, बुला भी लिया वो तो चलते हैं। हेलो जी, तो रेडी मैं हो गई हूँ, बस मैं जाने लगी हूँ। और ना सर में मेरे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, बाल अभी मेरे गीले हैं, तो मैंने क्या किया है ऊपर से कैप ही पहन ली कि चलो ठीक रहेगा। और मैंने लॉन का सूट पहन लिया, क्योंकि कपड़े ही नहीं समझ आ रहे थे, कोई जो मिल रहे थे ना कहीं किसी का ट्राउज़र नहीं मिल रहा था, किसी का कुछ और ही है। मुझे मैंने कहा कि चलो ठीक है, लॉन्ग फ्रॉक ना बहुत काम आ जाती है, बस आप कुछ भी पहनो टाइट्स वगैरह और यू आर रेडी टू गो। और अभी तक मेरे रूम की सफाई नहीं हुई, अच्छे हेल्पर जो हैं वो बाहर का थोड़ा बहुत काम करेंगे, वो फ्री होंगे तो फिर करेंगे। और हम बस निकलते हैं, मैं भाई को कॉल करती हूँ, अभी सिर्फ मेरा आउटफिट चेक करें ठीक है, बाकी मेरे रूम को छोड़ दें। हर तरफ शॉपर ही शॉपर और चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जीन्स मैं पूरे हफ्ते से पहनी जा रही हूँ, ये वाली ना जो नज़र आती है वही मैंने पहन ली, एंड ये फ्रॉक पहन ली हमने, जो कि जब मैंने आप लोगों ने मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो देखी होगी, ये लू टाइट रखवाई थी मैंने। अब आप ये चेक करेंगे मुझे कितनी ज़्यादा लूज़ हो गई, मैंने थोड़ा इस तरह से रखवाया था, और अब ये आप चेक करें ये हालात है मेरे। आई एम सो हैप्पी यार। बाय बाय टाटा, तो अभी मैं निकल रही हूँ, फिर मैं आपको उनके घर जाके मिलती हूँ। बाय बाय। ये कल रात यहाँ पे बारिश हुई थी, और आप पानी चेक करें कि कितना ज़्यादा जो है ना वो पानी आ गया, और इनके घरों के पास तो कोई शदीद लेवल वाला पानी था। मैं अपने घर के पास तो मुझे इतना नज़र नहीं है, लेकिन इनके घर की तरफ मैं जा रही थी तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा पानी था। मैंने भाई को कहती है इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, फिर हम लोग घूम फिर के रास्ते ढूंढते ढूंढते घर पहुँचे उनके, और फिर हम लोगों ने खूब सारी बातें की, शादी की बहुत सारे डिस्कशन की, जो कि आपको अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ और भी डिस्कशन करनी थी हम लोगों ने, इसी वजह से मैं आई थी, और मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग भी नहीं किया, बस खाते पीते वक्त थोड़ा बहुत व्लॉग कर लिया। बाकी हम लोगों ने इतनी बातें की, इतना फ़न किया, इतना मज़ा किया कि मुझे याद नहीं रहा कि मुझे व्लॉग भी बनाना था। याद तो मुझे था, लेकिन बस ऐसे टाइम स्पेंड करी थी और बातें शादी करे तो उसका मैं क्या ही व्लॉग बनाती और क्या मैं मोबाइल लेके बैठ जाती। तो इसलिए हम लोगों ने खूब बातें की, खूब कपड़े डिस्कस किए, खूब ज्वेलरी डिस्कस की, खूब मेकअप डिस्कस किया, और बस मैं अभी खाना खा के और फिर अपने घर की तरफ जाऊँगी। ओके जी, तो डेट्स इट फॉर द व्लॉग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का अकाउंट का नेम क्या है वो बता देती हूँ, कायनात स्टाइल है, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। आज का व्लॉग बस इतना सा था, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। जब आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ होते हो ना तो आप व्लॉग करना भूल जाते हो, ये तो मैंने व्लॉग नहीं किया, बस हमने बहुत सी अच्छी मेमरीज बनाई। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।